जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दामिनी बंजारे और आप सब झन के स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोली ठोली माँ। जी हाँ, हमन आप मन से भेंट कराथन अलग अलग कलाकार मन से, अलग अलग हस्ती मन के, जे मन छत्तीसगढ़ में अपन छत्तीसगढ़ी फिल्म ला लेके एक नवा पहचान बनाए और अपन लोहा ला मनवाए है। और ए बीच हमन आप मन ले एक ऐसे कलाकार से मिलाबो जे हा सबके मन में बसते, मन कुरेसी जी करा, तो चलथन ओकरे करा। जय जोहार सर। सर, खास बात हमारे ये रही से कि मन कुरेसी जी सबके मन में बसते, का खास आप में हवे जेकर वजह से आप आज अलग छवि बनाए हो? बाकी कुछ खास नहीं है, यही खास है। खबर कि जो खास बन जाते वो आम दिल में फिर नहीं बस सके। मन कुरेसी बहुत आम है, बहुत नॉर्मल से लड़का है, सबला अपन जी से लगते और सब जन के स्वागत है मोर पास में। यही ये जो आम बात है, यही मोला खास बनाते, बस और कुछ नहीं है। बाकी मोर अंदर कुछ ऐसे नहीं कि अलग से कुछ, एकदम अलग से कुछ ऐसे वरदान या टैलेंट मिले हुए जेखर आकारण में खास, वैसे कुछ भी नहीं है। बहुत ही नॉर्मल रहना पसंद है, बहुत नॉर्मल बिहेवियर, लोगन मन से मिलना जुलना पसंद है करके। लोगन में एक्चुअल में आदमी सिर्फ आपके व्यवहार चाहते, काम वाम टैलेंट सब सेकेंडरी होते, पहले आपके व्यवहार कैसे, आपकी बातचीत कैसे, आप अपन ग्लैमर ला कहीं संभालते हो, ये ज़्यादा मायने रखते करके मुझे लगता है कि आदमी ज़्यादा जुड़ते मोर से। सर, जैसे कि हम आप मन के पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं तो आपके पिताजी जो रही से वो मैकेनिकल रही से, एक तरह से गाड़ी वाड़ी सब चीज़ बनाए, और उसके बाद फिर इतना गरीब परिवार से आप मन ये क्षेत्र में आए हो, इतना बड़ी उपलब्धि हासिल करे हो, का कुछ चुनौती वो बेरा रही से, कैसे आप मन पूरा चीज़ ला करे हो? देखो, बहुत चुनौती रही से, सब कुछ सरकारी स्कूल में हुई, चाहे पढ़ाई ला बोलो या हर चीज़ बोलो। हमार माता पिता कितना भी गरीब रही से, लेकिन मोला अभी भी याद है कि हमन ला कभी भी कोई चीज़ से कमी महसूस नहीं, भले ही हमन पुराना कपड़ा पहने, पुराना गाड़ी लेन, पुराना साइकिल, लेकिन चीज़ सब चीज़ अवेलेबल, कोमन भले ही अपन ज़रूरत ला मारिस, लेकिन हमार ज़रूरत जितना भी हो सके सुखर मन से वो पूरा करिस। तो ये बात है, कोई मलाल नहीं कि हमन गरीब रहें, मोला रत्ती भर भी मलाल नहीं है। और ये बात है, कोई अफसोस भी नहीं है कि हमन गरीब काबर रहें। भैया, हर आदमी नीचे से ऊपर आते, कम से कम मैं गरीब रहूं करके आज लोगन मन की कदर करत हो, मैं गरीबी के मतलब जानत हो, मैं चीज़ के महत्व समझत हूँ, समय के महत्व समझत हूँ। अगर मोला ही हर चीज़ एकदम परोस के मिलती से एकदम कि भाई, मतलब मैं पहली से लखपति करोड़पति रहते हूँ, तो मैं लोगन मन ला तवज्जो नहीं देते हूँ, हर आदमी मोर बार ऐसी रहतीस कि यार चिल्लर रहतीस, तो वो सब चीज़ मोला लगता है कि वो सब चीज़ मोला सिखाना रहीस करके ही नेचर है या वो कुदरत ऊपर वाले बोलो मोर नसीब में वो चीज़ लिख दे रहीस कि भाई ते यहाँ से यहाँ तक आबे, तब जाके ही ते लोगन मन के फेवरेट बन पाबे। वो जो नेचुरल हर लड़का करते, आज भी बहुत जन के ज़िंदगी में वो सब चीज़ गुजरते, वही सब चीज़ है। तो यादगार यही सब चीज़ है कि सरकारी स्कूल पैदल जाना, साइकिल नहीं अवेलेबल होना, झोला लेके जाना, या कोई दिन कोई सब्जी उब्जी में अच्छा और झिल्ली आ गई तो वो झिल्ली में पुस्तक कापी लेके जाना, तो ये सब मोर याद भी मोर बर इंटरटेनमेंट है। मैं ऐसे नहीं कि मैं याद करके बहुत सीरियस हो जाता हूँ, ऐसे नहीं है। मैं सोचता हूँ कि आदमी ला अपन हर चीज़ ला इंजॉय करना चाहिए, चाहे वो गरीबी हो, अमीरी हो, वो ग्लैमर हो, कुछ भी हो, ला इंजॉय करना चाहिए। लाइफ एक बार मिले है, अगर हमेशा रोते रहो अपन परिस्थिति ऊपर, तो हम लाइफ इंजॉय नहीं कर सकबो। तो मैं तब भी बहुत खुश रहूँ, मैं आज भी खुश हूँ, और आगे चल के जब भी जो भी हो मैं हर चीज़ में खुश हूँ मैं। सर, आप मन के पढ़ाई कुछ और इससे होकर बाद फिर फिल्मी दुनिया में आना, ये दुर्घटना कह जा सकती है कि का कुछ खास हो रही समय? दुर्घटना नहीं, भी अच्छा घटना ये तो खबर की। देखो, पढ़ाई लिखाई करे के बाद में लड़का मन ला बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे ला पड़ते अपन काम में लेकर के। आज हमारे जो भी हमारे रिश्तेदार में जो छोटे भाई मन है, वो मन छोटे मोटे जॉब पर भी बहुत स्ट्रगल करते, और जो हमारे कॉन्टेक्ट में है, कोई एम ए कर ले, कोई बी ए कर ले, लेकिन जॉब्स नहीं है। तो मैं बोलूं कि मैं भले कुछ भी पढ़े हूँ, लेकिन मैं तो लकी हूँ यार कि मोला एक ऐसे लाइन मिल गई जिसमें बहुत ज़्यादा मोला ढूंढना नहीं पड़े, वो लाइन है खुद मोला ढूंढ लीस। मतलब होते ना कि कोई चीज़ पर आप बनते हो और कोई चीज़ ही आप पर बनते, तो मैं बहुत लकी हूँ कि ये आर्टिस्ट लाइन मतलब खुद चुन लीस मोला। सर, वो समय जब आपन के पहली फिल्म आ रही से और बाद फिर 1.5 साल के गैप रही सो फिल्म में आए के बाद, का कुछ उस समय की किस्सा रही से, का हो रही सो मेरा? वही एक बुरा समय रही से, जिसे अभी अचानक देखो पानी गिरना चालू हो गई, तो बस वैसे ही हो गई मोरो साथ। वही एक बुरा समय रही से जो बहुत मुश्किल से कटी से, मैं वो चीज़ ला ज़्यादा याद नहीं करो, लेकिन हाँ 1.5 साल तक की कोई ला एक फिल्म मिले के बाद 1.5 साल तक के नहीं काम मिलना, इवन फ़ोन भी नहीं आना, कोई ज़्यादा तवज्जो, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा से हर्टिंग रही थे।
पर हाँ समय सब बीत जाते, ये है कि समय सब बीत जाते और वो भी बीत गई डेढ़ साल नहीं पौने दो साल तक की मोले एक फ़ोन भी नहीं आ रही से और वो थोड़ा मुश्किल समय रही से। फिर जब प्रेम सुमन करे उखर बाद लोगन मन मोला पसंद करीस, फिर धीरे धीरे मैं यो वर्ग मन के धीरे धीरे पसंद बनते गए, फिर आई लव यू वन आई, इस पर मोर जोड़ी दारा, इसे फिर बहुत सारा फिल्म आई से और वो करते 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 वो समय भूल गया। लेकिन हाँ कभी कभी आप जैसे कोई पत्रकार या कोई मोर दर्शक मोला जब याद दिलाते तो समय याद आते, वाकई में थोड़ा कठिन रही से। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत कम साधन में अपन आपला फिट रखना, बहुत कम अरेंजमेंट्स में अपन आपला वैसे एज ए हीरो जिसे हमेशा रखना, एकदम 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 हल्का भी नहीं हो सको कि आप बी ए फर्स्ट ईयर जिससे इतना अच्छा फिल्म करके बैठे हो जो आज YouTube में नंबर वन फिल्म है, वैसे फिल्म करे के बाद में एकदम एकदम हल्का एकदम हर जगह जाना या हर जगह अवेलेबल हो जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो सब ला मैनेज करते हो अपन आपला हीरो बना के रखना, वो थोड़ा टफ रही, वही एक टाइम है जो मोला याद है थोड़ा टफ टाइम है। सर प्रेम सुमन जो अपन के फिल्म आ रही से वो फिल्म में ऐसे हो रही से कि अनिकृति चौहान और आप मन है एक संग दिखे रहे हो और वो मेरा जम्मू मनखे मन के नज़र आप में वन में रही से अनिकृति जी के एक्टिंग ला लेके आप ला देखे वर का कुछ होकर किस्सा रही से कैसे वो माना हुई सो फिल्म मिलीस कैसे वो फिल्म आप मला। वो फिल्म पहली बार मोला पौने दो साल के बाद में मोला एक फ़ोन आई से और मैं गेहूँ, जब मैं गेहूँ तो पहली बार तो वन मोर से बात करी, जब दूसरा बार मोला मीटिंग बोले तो अनिकृति चौहान भी आ रही से, तो पहली बार मैं अनिकृति चौहान ला पहली बार सामने देखे रहूँ उखर पहली में बोला फोटो में देखे रहूँ, खबर कि मोला एक फिल्म ऑफर हो रही से उखर पहले बहुत पहले जो मैं नहीं कर पाया हूँ या वो फिल्म और नसीब में नहीं रही से वो मैं अनिकृति चौहान रही से, तो वो मैं पहली वाला फॉर फोटो देखे रहूँ, तो वहाँ पर हमने एक दूसरे पहली बात करें और पहली ही बार हमन फ़ोटो शूट कराएं वही तुरंत तुरंत में फ़ोटो शूट करी नॉर्मल कैमरा से उमन, और आप मानो नहीं कि वो फ़ोटो ही हमर मन के पोस्टर बन गई से, वो फ़ोटो ही इतना अच्छा आ गई से उस समय के इतना इतना बढ़िया दिखाते ना मानो कि वो फ़ोटो ही पोस्टर बने रही से, जब पोस्टर आई तो उखर एक दो पोस्टर है जो वही फ़ोटो शूट के, बाकी कुछ हमन यहाँ वहाँ की वीडियोज से निकालें, तो पब्लिक ला बहुत पसंद आई इस एकदम सधे हुए कैरेक्टर रही से, एकदम सिंपल स्वीट इनोसेंट कैरेक्टर जो कि ना वो है ना मैं हूँ, मैं भी बहुत चुलबुला हूँ और शाय हूँ लेकिन चुलबुला हूँ, अपन आदमी मेरी तो बहुत चुलबुला बहुत मस्तीखोर हूँ और खैर अन्नी तो है ही बहुत बहुत चुलबुली हो, तो वो अपन कैरेक्टर एकदम दबा के करना वो थोड़ा चले और नवा नवा भी रहे, ऐसे नहीं कि बहुत मंझे हुए आर्टिस्ट हैं हमन, हम दोनों ही नवा रहे, हम दोनों की ही दूसरा फिल्म रही से, तो थोड़ा मुश्किल रही से, लेकिन हाँ वो डायरेक्टर ला सैल्यूट है जो हमर मन से इतना आसानी से वो काम निकल गई और 40-45 दिन कहाँ निकली समझना पता नहीं चली। सर आप मन की फिल्म रही से आई लव यू फर्स्ट पार्ट जो आ रही से वो फिल्म हाँ कैसे रही, क्योंकि वो जब फिल्म हिट हुई से ना आप मन के जोड़ी बहुत पसंद करेगी सर, वो फिल्म के चर्चा बहुत रही का कुछ करके सर रही हो गया। बहुत जन बोलते हैं कि मोर लाइफ के टर्निंग पॉइंट हंस जन पगली या भी बहुत दूसरा सब अपन अपन हिसाब से अलग अलग फिल्म के नाम लेते, लेकिन जब कोई मोला पूछते कि मोर कोई लाइफ के टर्निंग फिल्म या टर्निंग पॉइंट का है जेखर नाम मतलब पर्सनली जो मोला क्लिक करीस वो मोला लगता है कि वो फिल्म आई लव यू है, और आई लव यू में मतलब इतना बढ़िया काम करे कि हमला मौका और सुंदरानी फिल्म प्रोडक्शन की पहला फिल्म रही से, सुंदरानी फिल्म प्रोडक्शन में काम करना अपन आप में कोई भी आर्टिस्ट सोचते कि नहीं यार मैं रेगुलर हो जाऊँ, ऊपर वाले के बहुत शुक्र है और पब्लिक के बहुत बहुत आभार धन्यवाद है कि इतना कम समय में मोला लगता है कि चंद आर्टिस्ट ही है जे मतलब कम समय में इतना प्यार मिलते हैं और मतलब बहुत प्यार मिलीस और आई लव यू से मोर लाइफ बदली। एक्चुअल में आई लव यू देखे के बाद ही सतीश जैन जी है हसजन पगली जब स्क्रिप्ट लिखत रही से तो वो सोच रही कि ये कपल ला फिल्म में लूँ, तो आई लव यू वन मोर लाइफ की जो है वो टर्निंग पॉइंट है, ओखर बाद जो है मैं एक स्थायी कलाकार हो गया, फिर मोला ये नहीं लगी कि मेरे पास काम की कमी, फिर मेरे पास बहुत फ़ोन बहुत काम, साल में 4-5 फिल्म करना एक मैक्सिमम होते काटे और मैं करता हूँ। हॉलीवुड इंडस्ट्री में ये पहली बार ऐसे हो रही थी कि कोई काकरो गाना ला सुने पर जम्मू में इनके मैंने यूट्यूब में सर्च करे रही से वो हिट लिस्ट में आ गई रही से, तो उस समय कैसे लगी साफ मतलब गाना देखे एक बार। एक्चुअल में म्यूजिक जो होते मैं पूरा पूरा श्रेय जो होते मैं लिरिक्स राइटर गीतकार संगीतकार और उस वो गाना से जुड़े कोरियोग्राफर वो जो हमारे कोरस डांसर में ओमला देना चाहता हूँ, हमन तो आर्टिस्ट हन परफॉर्म करते हैं लेकिन ओखर पहली वो गीत ला कैसे बनाए जाते एक एक शब्द कैसे पिरोए जाते, तो मैं वो जो सारा श्रेय है मैं कभी अपन आप में नहीं लेना चाहूँ, वो सारा श्रेय एक्चुअल में गीतकार संगीतकार सिंगर्स ए मन ला जाते, तो इतना अच्छा गीत बनाए बर वो गाना से जितका भी जो भी जुड़े हैं वो सब उनके बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एक गाना एक फिल्म के लिए हाइट दे दीस और वो एक फिल्म हाँ
हमन लाइट दे दी। सर आप मन के ये जो फिल्म रही से ओकर बाद फिर गाना आप मन अब तक केवल शायद तीन ही एल्बम कर रहे हो। हाँ, कैसे एल्बम ना लेके का कुछ आप मन के राय है अभी जैसे? मुझे लगता है कि अगर मैं हर क्षेत्र में घुस जाऊँ तो मुझे लगता है हर क्षेत्र में ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए। मैं अगर मैं फिल्म पर हूँ तो मोला ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म में ध्यान देना चाहिए। एक्चुअल में भी हमारे जो युवा वर्ग है वो बहुत अच्छा अच्छा गाना निकाला थे और एल्बम के एक अलग चलन चला थे, तो मुझे लगता है कि वो कुछ चीज़ कहीं छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसे का साल में 5-6 एल्बम में ही कर दे रहूँ, मतलब हर मैं ही करते रहूँ, मैं ही अब अगर हर चीज़ या यूट्यूब में उतर जाऊँ या हर चीज़ में अगर उतर जाऊँ तो मुझे लगता है कि नहीं, बाकी सब लोग भी काम करते रहना चाहिए। और मैं अभी सिनेमा में बहुत बिजी हूँ और मोर पहला पसंद जो है सिनेमा है, तो मुझे लगता है कि अभी मुझे सिनेमा में काम करना चाहिए। हाँ ऐसे है कि जब अच्छा गाना आते तो मैं करता हूँ, तीन गाने हैं, तीनों गाना मुझे अच्छा करे के मौका मिले तो मैं डेफिनेटली करूँ। सर आप मन के जो गाना रही से वो हिट हुई से ओकर बाद बहुत सारा जन के ये कहना रही से कि अनिकृति जी संग आप ही ला देखना पसंद करते आज भी, और आप मन के फिल्म भी ऐसे 2-3 ठन जेवन बहुत ज्यादा हिट हुई से ओकरे वजह से, मतलब साथ में आप मन के जोड़ी बहुत पसंद करते हैं, कैसे लगते हैं? पसंद करते हैं और हमन मन साल में 1-2 फिल्म करथन भी, जैसे अब मैं पिछले साल अगर 4 फिल्म करे हो तो 5 फिल्म करे हो तो 2 फिल्म ओकर साथ है, इस साल अगर 4-5 फिल्म करत हो मैं यहाँ तो 1-2 फिल्म अनिकृति के साथ है। पर क्या होता है कि लगातार एक ही के साथ काम करना नहीं मोर पर पॉसिबल, कबार कि वो भी कहीं काम करते दूसरा डायरेक्टर दूसरा हीरोज मन साथ काम करते तो हाँ, लेकिन इतना है कि पब्लिक ला जो लगते अगर हमारा लगते कि हम साथ में अच्छा लगा था साथ में तो हमन काम करथन, पब्लिक लगी कि नहीं यार ज़्यादा काम होते तो हम डिस्टेंस करके साल भर काम नहीं करबो ओकर बाद फिर काम करबो। अभी ये साल मोर ख्याल से हम एक फिल्म कर रहे हैं ना भाई बाजीगर कर रहे हैं ना, और आने वाला समय भी हम काम करने वाला हैं, तो ये सब तो चलते रहते। आज ओला मोला पसंद करते कल चल के अनिकृति चौहान डिलीस ला पसंद करी तो उमन ला भी ज़्यादा काम करे ला पड़ी, तो ये सिलसिला तो चलते रहते। तो आप मन हा और अनु शर्मा जी है दोनों जन के किरदार अलग अलग जगह से आए हो आप मन हा, लेकिन आज अपन पहचान एक नवा बनाए छत्तीसगढ़ में या छॉलीवुड में हमन बात करन तो आप मन का एक बात एक नवा जान छत्तीसगढ़ के छॉलीवुड फिल्मों में मिली से कैसे देखता हो आप मन हा? हम दोनों की कहानी थोड़ा आसपास है, मोर अनु की जो कहानी है वो आसपास है, वो भी एकदम से अचानक से ओला भी ओखर भी किस्मत करवट मारिस की नहीं अचानक से वो कोई मार्केटिंग लाइन सो भी है और इत्तेफाक से अचानक से मैं भी कोई दूसरा लाइन से मैं भी एक्टिंग लाइन में आया हूँ, तो ये कहानी बहुत आसपास है हमारे मन की। और वाकई में हमारा लगता है कि देखो मैं तो ये नहीं जानो कि मोर पीछे का होते लोगन मन का बोलते कवर कि मैं सिर्फ अपन काम में ध्यान देता हूँ, लेकिन जब आप जिसे बहुत सारे पत्रकार या दर्शक बोलते कि आपके आय से कुछ बदलाव आ है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा बात है। मैं छत्तीसगढ़ सिनेमा ला बहुत आगे देखता हूँ, बहुत जन बोलते कि हमन बहुत पीछे हन ये है, तो मैं बोलता हूँ नेगेटिव बात करना बंद करो और पॉजिटिविटी में ध्यान दो कवर कि ये जो सिनेमा आज है वो आज से 10 साल 15 साल पहले 20 साल पहले कुछ नहीं रही से, लेकिन आज हमन यहाँ खड़े हैं ना, आज बड़े बड़े न्यूज़ चैनल मन में जाके बात करते हैं, हमन बड़े बड़े ओकेजन में जाता हैं, लोगों हमारा पैसा देके अपन दुकान के उद्घाटन कई बार बुलाते, तो ये पहली होती रही इसका नहीं होती रही ना, दूसरा इंडस्ट्री भी ऐसी ग्रो करे और हमन भी ऐसी ही ग्रो अप करा था। सर आप मन जब फिल्म करे रहे हो उससे पहले आप आम आदमी रहे हो जैसे एक आम मनखे रहे हो, वो बेरा आप मन के कौन से पसंदीदा हीरो रही से जिला आप पसंद करो कि चाहो कि एक संग जरूर में काम करते हो या जैसे अच्छा लगा आप मतलब और फिर आप मन है छॉलीवुड में आओ तब का कुछ रही? देखो मोला मोर शुरू से जो पसंदीदा एक्टर रही से पहली जब से इरफान खान रही तो इरफान खान ओखर पहले तो सबला अमिताभ बच्चन गोविंदा ही पसंद रहा है, मतलब अमिताभ बच्चन गोविंदा ही पसंद रहा है जब ओखर मन की फिल्म आए तो ओखर बाद जो इस ओखर बाद मोला इरफान खान बहुत पसंद रही से, फिर मनोज वाजपेयी बहुत पसंद रही से, नसरुद्दीन शाह बहुत पसंद रही से। एक्चुअल में मोर अंदर वो शुरू से ऐसे वाले गुण रही कि मोला सधे हुए एक्ट बेस वॉइस में बात करने वाला मन एक्टर्स मोला बहुत पसंद रहा है, मोला बहुत ज़्यादा रोमांटिक या डांसर्स ये सब ज़्यादा पसंद है, मोला अच्छा एक्ट करने वाला एक्टर में शुरू ज़्यादा पसंद रही, तो यही मोर चॉइस है इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, नसरुद्दीन शाह, ये सब मोर फेवरेट है। सर बात ऐसे रही थी कि जैसे छॉलीवुड और हमन हाँ बॉलीवुड की बात करते का वो दोनों फिल्म में आप मन अंतर देखे मिलते हैं, जैसे अभी बोलते हैं कि कॉपी करते, जैसे तेलुगु साउथ के फिल्म में हमेशा मतलब बॉलीवुड में आरोप लगते कि वो कॉपी करते के का कुछ आप मन चुनौती है मैं देखे मेरी नहीं? देखो एक चीज़ है कि उमन बोलते वो कॉपी करते, आज ही मैं लिस्ट देखा था, आज ही गूगल में लिस्ट देखा था, कम से कम 150 फिल्म बॉलीवुड के कॉपी करे टॉलीवुड, तो ये कॉपी नहीं है, ये प्रेरणा लेना बोलते हैं कि कहीं की कोई अच्छा चीज़ है बोला उठा करके अपन अंदर आत्मसात करके बोला थोड़ा वो अच्छा करना, बोला कॉपी करना नहीं बोले, तो अगर कॉपी करना बोलती तो इतना 50-50, 100-100 करोड़ इमन जो इन्वेस्ट करते बॉलीवुड वो बेवकूफ़ नहीं हो, मर हमारे मन से ज़्यादा होशियार है,
तो वो अच्छा चीज़ ला उठाते हैं, कोई गजनी जैसे कोई कंटेंट है वो ला उठा के अपन अंदर आत्मसात करके फिल्म करी, सुपर डुपर हिट हुई। एक्चुअल में अब क्या है होती है कि अलग अलग टाइप के दर्शक हो गए, कुछ कहीं ना कहीं कुछ नेतागिरी में बढ़ गए है, कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारा अलग 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 उखर मन के नज़रिया हो गए है। तो कोई ला कुछ पसंद आते, कोई ला कुछ पसंद नहीं आए, कोई बोलते कॉपी करना उखर मन से कॉपी करके बनाओ मन इतना अच्छा फिल्म बनाते, कोई मैं ये भी बोलते, कोई बोलते कि तुम्हारे यार उखर मन कॉपी करते हो कॉपी मत करो। तो अलग अलग टाइप के दर्शक है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में ये सब अभी नहीं आए हैं, थोड़ा बहुत प्लॉट उठा करके बनाना, दुनिया में इतना कहानी बन चुकी है, इतना कहानी बन चुकी है कि आप कुछ भी बनाओ लगे कि अरे वो प्लॉट तो उखर से मिलते, लड़की लड़का दौड़ के आते मिला थे, ये मोर बर तो नया है, आप बर तो नया है, लेकिन भाई वो तो 500 फिल्म में लड़की लड़का दौड़ के गले मिल चुके हैं, तो वो तो कॉपी नहीं बोल सको ना। तो देखो अलग अलग नज़रिया है, मोर ये मानना है कि जब भी कोई काम करते हो काम ला इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ के जो मेकर्स है जो एक्टर्स है वो मन काम करा थे तो काम ला ध्यान देना चाहिए कि ये मन काम तो करा थे, इतना पैसा लगा लगा के इतना समय अपन जीवन दे दे के काम करा थे, ओला मायने देना चाहिए। कॉपी पेस्ट ये नेगेटिविटी सब चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए। आप मन के शादी जो रही सवे वो बहुत कम उम्र में हो रही से और ओकर बाद फिर और फिल्म जैसे आते आप मन के और वह आप मन हाँ लड़की मन से डांस करता हो लड़की मन पकड़ता हो तो वो फिर आपके जो पत्नी है धर्म पत्नी अगर का रिएक्शन रहते कैसे वो देखते फिर वो सब ना। मैं बहुत सारा प्लेटफॉर्म में बोल चुकी हूँ कि मैं दुनिया के वो सबसे लक्की आदमी हूँ जो ला मोर पत्नी मिले है, मतलब मोला वो मिलिस वो लक्की नहीं है, मैं लक्की हूँ खरबर काबर कि इतना सपोर्टिंग इतना सपोर्ट। देखो बहुत जन एक्टर्स पहली कर लेते उखर बाद शादी करते, मैं पहली उखर शादी करे उखर बाद फिल्म करना चालू करे तो वो चाहतीस तो मोला मना कर सकत रही। जब मैं उखर से पूछे हूँ कि मैं फिल्म करत हूँ ओला पता है कि भाई फिल्म में शूटिंग होते गले लगाना है लड़की साथ रोमांस करना है सब पता है ओला, लेकिन वो बोलीस कि ये किस्मत तोला चुना थे ते ओला नहीं चुना था, जब किस्मत बोला थे तो मैं का बोलूँ। और वो बिल्कुल मना नहीं करे और मोला हमेशा से अप्रिशिएट करे, हमेशा से मोला सपोर्ट करे। मैं मानता हूँ कि आज मैं यहाँ तक के हूँ तो अपन माँ बाप के आशीर्वाद पब्लिक के प्यार ऊपर वाले के करम और अपन पत्नी के सपोर्ट के कारण यहाँ तक के हूँ। खबर कि वो अगर मोला मना कर देती तो आज कोई मन कुरेशी कि आप इंटरव्यू नहीं लेते रहते हो। लड़की मन के अंदर में जरूर रही थे कि कोरो काकरो दूसरा के तीर चिपकत देखा थे, जैसे अपन प्यार करते हैं तेकरो से हो चाहे हमारे पति हो काकरो दूसरा संग चिपकते तो वो मेरे जरूर जलन होते। जैसे अभी कभी घर अपन पहुंचे हो गाना वाना करके गए हो फिर गाना पता चली सोई फिर कभी मजाक में ही वो ताना दी सोई कभी ऐसी कोई किस्सा वो मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत तो याद नहीं, लेकिन हाँ शुरू शुरू में जब एक दो फिल्म में कर रहे हो जब थोड़ा थोड़ा से प्रोफेशनल हो गए हो तो थोड़ा क्या करते करते हमन भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रोमांस वगैरह में थोड़ा उम्मीद जान डाले की कोशिश करथन। तो वो कभी मोला एक बार याद है कोई एक फिल्म रही मैं नाम नहीं लूँ वो फिल्म ला देख करके वो थोड़ा नाराज़ हो रही थी कि ज़्यादा हो गया सॉरी तो वो एक चीज़ है बस। फिर मैं बोला फिर वो जब वो पूरा फिल्म ख़त्म हुई तो समझ आई कि वो सीन और वो चीज़ की उम्मीद ज़रूरत रही से, तो फिर धीरे धीरे वो भी समझदार होगी। अब रायपुर में आए के बाद वो भी थोड़ा सा समझने लगी कि ये तो शूट है भाई, ये मन शूट होते मन 50 बार लड़की से गले मिलते तब जाके वो शॉट ओके होते। तो बोला पता है कि फीलिंग वाली चीज़ नहीं है ये, हम मन एक्टर्स हैं और फीलिंग के एक्टिंग करते हैं, फीलिंग ही हमारे अंदर ये दिखाया कि एक्टिंग करते तभी तो हमन एक्टर्स हैं। सर हस जन पगली माँ आपके बेटी तको नान्हे कलाकार के एक्टर किरदार ला निभाए रही सवे का आए वाला समय में हमन ओला हॉलीवुड में देखबो या बॉलीवुड में देख सकते हैं ऐसे कहे जा सकते हैं? नहीं मैं कभी अपन बच्चा मन के ऊपर मैं कभी कुछ प्रेशर नहीं डालू। अगर ओला जो बनना है वो डॉक्टर इंजीनियर एक्टर जो बनना है ओला वो बन सकते हैं। मोर तरफ से ओला कोई ना रिस्ट्रिक्शन है ना कोई दबाव है कोई प्रॉब्लम नहीं है मोला। जैसे मोर माता पिता मन मोला कभी दबाव नहीं दिस कि मोला गैरेज में काम करना जरूरी है तो मोला गैरेज में काम करन दिस, जब मैं कोई दुकान में काम करे तो दुकान में काम करन दिस, जब मैं कूलर पेटी बनाए पर जाते रहे हूँ तो मैं वहाँ भी जान दे। मोला कभी उमन बोलिस नहीं कि ते का करा था अपन जीवन के साथ ते काबर जा था वहाँ ये मिला थे यहाँ ये, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं अपन जीवन में। वो बोलिस ये हमने आपको जीवन दिया है अच्छा परवरिश दे दी सोला उमन हमन ला कि उमन ला मालूम हमारे लड़का जो करी अच्छा करी। और आज हमन हन मैं अभी सेटल हो मोर भाई एक अच्छा कंपनी में है तो अगर हमन सेटल हन तो ओखर मन के भरोसा के कारण है। एक्चुअल में दबाव जो होते कहीं ना कहीं बच्चा मन ला थोड़ा से बिछड़ा देते अपन लाइन छोड़ देते, तो मुझे लगता है कि दबाव की जरूरत नहीं। और मोर बच्चा मन भी मोर जर्नी देखा थे उमन ये चीज़ के बहुत कदर करते कि मोर पापा बहुत काम करते या रात रात को देर रात से आते जितना धूप में इतना गर्मी इतना बारिश में काम करते। मोर बच्चा मन ये चीज़ देखते और समझते उमन ला भी उतने वैल्यू चीज़ मन के कोई चीज़ खाते तो फेंकना नहीं है
हमन होटल में इवन कोई चीज़ मंगाथन तो उतना ही मंगाथन जितना खाथन, ऐसे नहीं कि ओकर पेमेंट नहीं कर सकन, लेकिन उतना ही मंगाथन जितना जितना खाना है और जो खाथन, कुछ भी मंगा लो, ये मंगा लो पिज्ज़ा बर्गर, ये सब मोर लइका मन के अंदर नहीं है। वो बहुत सधे हुए बच्चे हैं उमन है, और मोर लगते कि जब उमन आगे बढ़ी अपन जीवन में तो आज जो सधापन है ओकर मन के अंदर है, वो आगे भी वो चीज़ रेगुलर रही ओकर मन के अंदर। सर आप मन के गाना इतना हिट हो है, एक आठ ठन गाना हमारे दर्शक मन पर जरूर हो जाए। अरे गाना तो इतना सारा, साल के मैं अगर 5 फिल्म करना हो तो 5, 7, 5, 35 गाना शूट करता हूँ मान के चलो मैं। तो देखो सब जो सबला पसंद है, अभी तक की मोर कैरियर के 2 गाना मोला सबसे ज़्यादा हिट हो है, और एक तो आई लव यू 1 के छम छम बाजे, और एक तो मिठ मिठ लागे। मोला लगता है कि मोला भी वही गाना बहुत पसंद है, तो वो मैं गा तो नहीं सकूँ, गुनगुना सकता हूँ। मिठ मिठ लागे माया के बानी हो, माया के बानी तोरो अंतस मा पीरा हो थे करानी, धीरे धीरे तुरी हारे तस तेरे माजा रे, तेरे माजा मोरो अंतस मा पीरा हो थे गराजा, धीरे धीरे। मतलब जब भी थिएटर में हमन जावन तब भी वो गाना ला फोटो देख के मन रील बनावत रही से, ये गाना रील में बहुत छा रही, कैसे देखता आपके समय ला आप? नहीं कमाल के समय, मोला तो वो सब चीज़ तो सेकेंडरी है, मोला तो मोला अभी भी याद है कि मैं इसे टाकिज में खड़ा रहा हूँ ऊपर में, और लेडीज़ मना श्याम टाकिज के दीवार कूद के, लेडीज़ बन साड़ी वाड़ी ऐसे चढ़ा के दीवार कूद के आया। मैं वही बोलते रहो कि अरे मातारा मत कर ऐसे, अरे दीदी मत कर ऐसे, मैं हाथ जोड़ा वहाँ से, तो वो मोर पर बहुत प्राउडली मोमेंट रही से, वो कि पब्लिक कूद कूद के टिकट ले बर आया। अगर 1000 पब्लिक अंदर है तो 2000 पब्लिक बाहर, बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते जेखर मन के जीवन में ऐसे पल आते, और मैं बहुत नसीब वाला हो कि मैं अपन बहुत कम समय में वो पल देख चुके हूँ, और वहाँ से अब मैं आगे अपन आप ला वो एक्सप्लोर करा था, तो वो कमाल के टाइम रही से। आज भी जब वो पल याद करते हैं तो चेहरा पर मुस्कुराहट आ जाते, लगते कि हमन भी का समय जिए हैं अपन टाइम में। थिएटर में अगर आपके फिल्म लगते हैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे अभी आपके हाल ही में एक ठन पिक्चर आए से, ते मतलब तक को बहुत प्यार मिली से, कैसे वो फिल्म हरी से, कैसे आप मतलब काम करके अनुभव हमारे हिसाब मन के? मैं मुला लगता है कि ये बहुत अच्छा बात है कि अब फिल्म बहुत ज़्यादा बनना चालू हो गई। अगर 20 फिल्म बनते तो मैं 5 करता हूँ, तो 25 कितना 15, तो 15 फिल्म जो होते वो बहुत सारा आर्टिस्ट मन में बैठते, 15 फिल्म जो होते, तो एकर मतलब है कि बहुत सारा आर्टिस्ट मन ला ओखर साथ में, ओखर को आर्टिस्ट मन ला, नवा लड़की मन ला, नवा नवा किरदार निभाए बर नवा एक्टर्स मन ला, लाइट मैन, बहुत सारा एक विभाग होते हैं हमार फिल्म में, तो वो सब जन ला काम मिलते हैं। पहले जहाँ 7-8 फिल्म बने, आज 20-25-30 फिल्म साल के बना थे, तो ये बहुत अच्छा बात है कि फिल्म जो है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, रोजगार भी है। जो व्यक्ति ये चीज़ से जुड़े हुए है वो ओला पता है कि मैं रोजगार भी है, इमें जो मतलब जो पर डे मिलते वो भी ज़्यादा होते, तो ये कहीं ना कहीं रोजगार भी पैदा करते सिनेमा जो है। तो मुला लगता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि इतना 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 सिनेमा बना थे। बहुत झन है युवा कलाकार मन है एक हीरो बनना चाहते, एक अलग अलग क्षेत्र में अपन नवा पहचान जो है वो बनाए चाहते, आप मन है ओकर लिए का चुनौती देखते हो, का कुछ मन तैयारी करे कि जैसे संघर्ष आप मला करे लगी से वैसे ना वो मला मत करे लगे, वो अच्छा से काम मन हम अपन नाम बना सके? तो मैं तो सबला पहली तो शुभकामना देता हूँ, और दूसरा बात ये बोलता हूँ, लेकिन मोर कहीं ना कहीं थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग भी रही थे। आज की डेट में हर लड़का उखर अंदर वो चीज़ के टैलेंट हो या ना हो, कोई पैसा के दम पे बोलो या कोई अपन पापा अपन भैया के दम पे भी कलाकार बना थे, तो बहुत सारा जो एल्बम्स वगैरह बनते अब तो उमन एक आध एल्बम करके लगते कि पापा भैया कुछ पैसा ऐसा लगा दीस तो हो जाए, पर इतना आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। एक्चुअल में बहुत कुछ डेस्टिनी टैलेंट मेहनत पे भी डिपेंड करते, हर आदमी कलाकार बनने के बारे में नहीं सोचता कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर हर आदमी कलाकार बन जाए तो दर्शक नहीं बचे हमारे मन के पास में, तो आज मतलब हर आदमी कलाकार बनना चाहते। मुझे लगता है कि पहले थोड़ा प्रिपरेशन कर लो और तय कर लो कि आप लोग का बनना है, कलाकार बनना है या सिर्फ हीरो हीरोइन बनना है, देखो तो दो चीज़ होती है, तो कलाकार बनना है, हीरो हीरोइन बनना। हर आदमी हीरो, हर लड़का हीरो बनना चाहते और हर लड़की हीरोइन बनना चाहते, प्रॉब्लम ये हो गई। वो लगता है कि पहले आप अपन आपला टटोल लो, अपन आपला देख लो कि आपके अंदर कैसे टैलेंट है, आपके लुक जो है वो वाकई में का चीज़ ला, कहाँ से जुड़ते, विलन से जुड़ते, का चीज़ से जुड़ते, और थोड़ा प्रिपरेशन करके आओ। मैं एक खास बात आऊँ
मन के कि आए वाला समय में का फिल्म आपके बनाने वाले, मतलब कुछ तो ऐसे कि का कुछ खास आप मन आए वाला समय में दर्शक मन के बीच में जाऊँ लेके? अब धीरे धीरे थोड़ा परिवर्तन आते, पब्लिक मतलब नए कॉन्सेप्ट पे फिल्म देखना चाहते, तो हमन अभी जैसे कि मैं एक साथी रे का एक फिल्म बनाया हूँ, थोड़ा थ्रिलर थोड़ा सस्पेंस मूवी है, लव स्टोरी के साथ साथ वो सस्पेंस थ्रिलर, पहला मोर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है थोड़ा। दूसरा उखर बाद बहुत जन बोले कि भैया आप मन स्पोर्ट पे फिल्म नहीं बनाओ नहीं बनाओ नहीं बनाओ, मैं बोले चलो कोई बात नहीं, एक स्पोर्ट पे फिल्म बनाओ। एक स्पोर्ट पे फिल्म है बाजीगर नाम है जेखर, वो फिल्म भी शूटिंग लगभग हो गई, उखर गाने वाना बचे है। तो अब हमन नवा तरीके से भी काम करा था, जहाँ जो पारिवारिक लव एंगल्स जो है उखर साथ में कुछ मिक्सचर करा था, स्पोर्ट डाल देनो मेन, सस्पेंस थ्रिलर डाल देनो मेन, कॉमेडी डाल देनो मेन, तो हमन प्रैक्टिकल हमन भी करा था। बस मैं दर्शक से ये बोलना चाहूँ कि आप मन के बोले के कारण हमन ये प्रैक्टिकल करा था, तो मुझे लगता है कि देखना तो आपे मन ला पड़ी है ना, पता चला था कि बना तो देना आप मन खाली राय दे के चुप बैठियो नहीं देखना है, तो ये सही नहीं। आप मन के ही कारण हमन भी टेस्ट बदला था, हमन भी अपन तरीका बदला था, तो आप मन भी घर में बैठना छोड़ या फिर मोबाइल पर देखना छोड़, सिर्फ यूट्यूब में देखना छोड़ करके थिएटर तक कि आप मन भी अपन देखे के नज़रिया बदलो। जैसे कि आप जम्मू मनखे मन हाँ आज सुने हो, आज मिले हो मन कुरेशी जी का ना, जेकर साफ तौर पे कहना यही है कि का कुछ तैयारी आप मन करके आओ और का कुछ कमी हमारे छत्तीसगढ़ी छॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है, जगह पूरा हो जाए तो शायद बाकी फिल्म और बाकी इंडस्ट्री जो अपन नाम बना है सेम वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री तक अपन नाम बना ही। तो आए वाला बेरा में आप मतलब एक और नवा कलाकार से मिलाबो और ओकर जीवन में का कुछ हो है, कैसे वो अपन उपलब्धि हासिल करी से तेला लेके ओकर से बात करबो। तब तक बरा हमला देव विदा, जय जय।